और सामने से अब इसमें एलईडी लाइट का भी कर दिया गया है। कानक से कंटे में जल्दी लाया। इसके अलॉय व्हील देखिए, पहले कलर नहीं थे और अब इसको भी कलर कर दिया गया है। डिस्क ब्रेक डाल दी गई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइम व्लॉग्स। तो यार आज अर्जेंटली ये वाला कंटेंट मुझे मिला है, प्लैटिनम BR6 जो एकदम अभी बिल्कुल एकदम अपडेट हो चुकी है पूरी की पूरी। पहले तो मैं इसका एक पूरा वॉक अराउंड पहले दिखाता हूँ, फिर इसकी सारी बातें बताता हूँ। आप पूरा का पूरा वॉक अराउंड इसका देख लीजिए। बिल्कुल अभी ये बाइक आई है शोरूम से, हमारे जान पहचान वाले एक अंकल ने लिया, तो मैंने सोचा इसका कंटेंट तुरंत बनाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं इंजन से, क्योंकि इंजन ही मेन होता है सबसे ज़्यादा, है ना। तो सीसी की बात करी जाए तो 110 सीसी का इसका इंजन है, एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर। और अगर इंजन की पावर की बात करी जाए तो 8.1 पीएस की पावर है, जो कि 7000 आरपीएम में जनरेट होती है। अगर मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो 8.7 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है, जो कि 5500 आरपीएम पर लॉन्च होता है। और अब एक चीज़ में देखी जाए कि ये देखिए इसके अलॉय व्हील देखिए, पहले कलर नहीं थे और अब इसको भी कलर कर दिया गया है। डिस्क ब्रेक डाल दी गई है, काफ़ी अच्छी बात है यार। और बैग में तो आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी, क्योंकि 110 सीसी है, ज़्यादा देंगे नहीं, डबल तो देंगे नहीं। और फ्यूल कैपेसिटी इसकी मेरे को सुनने में आ रहा है शायद से 10 के शायद से नीचे, क्योंकि ये मुझे नहीं पता, आप लोग अपना देख लीजिएगा गूगल पे। माइलेज की बात कर ले जाए तो माइलेज भी 70 किलोमीटर का आराम दे देती है यार। कभी कभी तो हमको भी लगता है कि ऐसी गाड़ियाँ लेनी चाहिए। तो चलो आओ आप थोड़ा सा इसके मीटर पर भी ज़रा देखते हैं, आइए अब इसका थोड़ा सा मीटर जानते हैं कैसा है। देखें अपग्रेड कर दिया गया है, ओह क्या बात है, अच्छा है यार। अभी इसको हम लोग चला ला के भी देखेंगे, लगता है ओ भाई साहब 110 सीसी के में यहाँ पे आप देख सकते हो, शायद से आपको दिख रहा होगा गियर इंडिकेटर भी डाल दिया गया है, कौन से गियर पे आपको बताएगी। और सामने से अब इसमें एलईडी लाइट का भी कर दिया गया है, काफ़ी सही है यार, लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। और ये कंटेंट एकदम से हड़बड़ाहट में मेरे से हो रहा है, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। अचानक से कंटेंट में जल्दी लाया, क्योंकि जैसे गाड़ी आई मैंने सोचा तुरंत करना चाहिए, अंकल को भी लेट हो रहा है ज़्यादा, और ज़्यादा मुझे नहीं करना। तो अब इसको थोड़ा राइड करते हैं। अभी मेरे पास मेरा GoPro नहीं है, तो अभी मैं पूरा का पूरा फोन से रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है गाइस। बाकी आपको चलते चलते भी इसकी सारी बातें आई है, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ओह फर्स्ट गियर काफ़ी सही है, पिकअप विकअप अच्छा लग रहा है देख के। सेकंड गियर, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तो वैसे लग रही है मेरे को। और यार गाइस ये एंगल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज मेरे पास इसका GoPro अभी मेरे पास है नहीं यार, हेलमेट भी पापा लेकर गए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो चीज़ ऐसे बन रही है जल्दबाजी में कंटेंट चल रहा है यार। सेकंड गियर पर गाड़ी है, मैं 30 के ऊपर जा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे फील नहीं हो रहा कि यार मुझे गियर शिफ्ट करना है, मतलब इतनी स्मूथ हो गई। अब थर्ड गियर पर लाया हूँ, सही है। तो यार अभी ये कंटेंट जो है बहुत ही जल्दी में एकदम से बन रहा है, तो उसके लिए यार माफ़ी चाहूँगा। रोड वोड अच्छा खासा अपने पास है नहीं, जैसा है अभी आपको दिखा रहा हूँ, सिटी कंफर्ट कैसा है इसका, पूरा काफ़ी सही है, सही है यार। भैया गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपको कैसा लगा, मतलब कंटेंट में जल्दी छोड़ना। हाँ सही है, भीड़ भी है, फर्स्ट गियर पे है अभी ये। फर्स्ट गियर पे और घुमाने में देखिए, हाँ एक बार में गाड़ी घूम गई है, काफी सही है, हैंडलिंग काफी सही है, बेस्ट है, काफी सही है यार, हैंडलिंग काफी सही है। ब्रेकिंग इसमें डिस्क ब्रेक दे दी गई है, अगर तो जरा इसकी ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं। सेकंड गियर पे है, 30 की स्पीड है, केवल और केवल फ्रंट ब्रेक अप्लाई करूँगा। हाँ गाड़ी ने थोड़ा सा अभी स्किड करा था, गाड़ी अभी स्किड हुई थी, क्योंकि ABS तो है नहीं, केवल डिस्क ब्रेक दे दी गई है। मैं आपको उतर के एक बार इसका लुक दिखा। सो
आप लुक देख लो, अभी अभी यहाँ पे टायर थोड़ा सा स्किड हुआ था तो मैंने समझ लिया। हाँ, डिस्क ब्रेक दे दी, ठीक है यार, अब 110 cc के हिसाब से तो काफ़ी सही है। चलो वापस चलते हैं, वीडियो कंट करने का भी समय आ गया, जल्दबाजी में कंटेंट बनाए, पता नहीं आपको कैसा लगाओ। तो अभी ये फर्स्ट गियर पर देखते हैं फर्स्ट गियर पर कितनी जाती है। फर्स्ट गियर में 30 के ऊपर चली गई गाइस, क्या बात है। अभी न्यू गाड़ी है यार, ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, आपको हर चीज़ पता चलनी चाहिए। आरामदायक है, सीटिंग कंफर्ट काफ़ी सही है। अभी मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है पीछे अंजर, उसने ही अभी पूरा का पूरा कैमरा मेरा संभाल रखा है फ़ोन वाला, तो ठीक है, देखते हैं। सही है यार, काफ़ी सही है। बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा मेरे को काफ़ी। अब वापस चलते हैं इसको लेके, कंफर्ट से काफ़ी सही है, गली मोहल्लों के लिए चलाने के लिए इंसान इस बाइक को तो लेता ही है, वैसे भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई इशू नहीं लग रहा है मेरे को, कोई तो गलती नहीं है, काफ़ी सही है बजाज, काफ़ी सही अब वर्क कर रही है। अगर ये लोग 125 cc में जैसे पल्सर में EBS देते हैं यार, अगर इसमें EBS दे देते तो थोड़ा सा अच्छा रहता है ना। तो अब आ चुके हैं, चलते हैं वापस घर के अंदर, आ गया है ना। तो अब इसको यहाँ से कर देते हैं इस वीडियो को बंद।